एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है वो धनिया के ऊपर होने वाली है। बहुत ही कॉमन चीज़ जो कि हमारे इंडिया में हर घर में पाया जाता है धनिया, उसके ऊपर होने वाली है। और ये एक ऐसा स्पाइस है जो हर इंडियन खाने में ये धनिया यूज़ होती है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं महाराष्ट्र की जो फेमस स्नैक्स है नाश्ता, कोथिंबीर वड़ी, वो बनाने वाली हूँ। और उसमें एक दो चीज़ मिसिंग है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बने। तो महाराष्ट्र से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे बताना कि उसमें और मुझे क्या ऐड करना चाहिए था और किस तरीके से करना चाहिए था, तो आप लोग आज देखना। और दूसरी बात, आज मैं आपको धनिया के बेनिफिट्स बताऊंगी, साथ में एक ऐसा ड्रिंक बताऊंगी जो कि हमारी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। जब मैंने सुना था तो मैं तो हैरानी हो गई थी कि धनिया से भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्यों ना हम भी इसे यूज़ करें। और मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोग, धनिया तो सभी के घर में मिलता है, तो आप लोग भी वही यूज़ करके आप लोग ये वो ड्रिंक पी सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए धनिया, चावल का आटा और बेसन और हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, जिसमें हमने ज़ीरा डालकर पेस्ट तैयार किया है, और इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया जाता है। और एक्स्ट्रा क्या यूज़ करते हैं मुझे बताना। तिल मेरे पास नहीं है, जो कि मैंने काफ़ी देखा तिल यूज़ हो रहा था। अब इसे स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए मैंने यहाँ पे स्टीमर ले लिया है, और हम इसमें अच्छे से ऑयल लगाएंगे। तो मेरे पास ये एल्युमिनियम का स्टीमर है, जो कि हम सेहत की बात कर रहे हैं तो सेहत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। तो मैं जल्द ही एक स्टील वाला स्टीमर लूँगी और अपने सेहत का ख्याल रखूँगी। तो हमने क्या करना है, अच्छे से इसमें तेल लगाना है और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। Thank you.
तो गाइज मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ जो वड़ी है वो कैसा बना है और टेस्ट में कैसा है। बाहर से ठोस है और अंदर से नरम है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कोरिएंडर ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कोरिएंडर्स ले लिए हैं और लेमन की जगह मैं यहाँ पे सितरों यूज़ कर रही हूँ घर के गलगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोरिएंडर को अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका जूस निकालेंगे। आप लेमन या गलगल की जगह आप एप्पल साइडर विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। यह सुबह खाली पेट पीजिए और हमारे किडनी की बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी और ये सेहत तो अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों आज के टाइम में हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल किडनी फेल होना, लीवर इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और स्टोन होना तो बहुत ही ज़्यादा आम बात हो गई है और कैंसर तक भी आम बात हो गई है आज के टाइम में। तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम ये छोटी छोटी जो अपनी घरेलू इलाज है इसको हम कंटिन्यू रखें और बीच बीच में हम इसका उपयोग करते रहें, तो हमें एलोपैथिक दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज हमने जो ड्रिंक बनाया है ये स्पेशली हमने किडनी क्लिंजिंग के लिए बनाया हुआ है और किडनी को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धनिया हम टाइम टू टाइम बीजते रहते हैं। ये जो धनिया देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे सर्दियों में बीजा हुआ धनिया है जो कि अब इसके दाने तैयार हो गए, बीज तैयार हो गए हैं और बस इसे कूट कर हम मसाले के रूप में यूज़ करेंगे और नाने यहाँ पे कूट रहे हैं। और जो मैंने हरी धनिया वाली खेत दिखाई वो हमारे कंडे में अभी हरे पत्ते वाली, तो ये टाइम टू टाइम चलता ही रहता है क्योंकि सब्जी दाल में अगर हरे धनिया के पत्ते ना दिखे ना तो मज़ा ही नहीं आता है और मैं हरी धनिया की चटनी टाइम टू टाइम बनाते रहती हूँ। दोस्तों अब हम बात करते हैं धनिया के क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है धनिया हर घर में पाई जाती है, चाहे हम सूखे धनिया की बात करें चाहे हम हरी पत्ती वाली धनिया की बात करें, दाल सब्जी सब में धनिया कट करके जब तक लगे नहीं ना तब तक उसकी खुशबू आए नहीं ना, स्वाद ही नहीं आता। तो अब इसके फ़ायदे की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को ड्रिंक बताई है, बहुत ही इजी ड्रिंक है। धनिया को पीस लेना है, उसका जूस निकालना है, उसमें नींबू डालना है और नमक डाल के रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। अगर किडनी में कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप सेवन कर सकते हैं और अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं और साफ़ रख सकते हैं। और बहुत ही इजी रेसिपी है, घर की चीज़ों से ही बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इफ़ेक्ट देखिएगा फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अब बात करते हैं धनिया में क्या क्या पाया जाता है। तो धनिया में सबसे ज़्यादा पानी ही पाया जाता है और उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें धनिया में पाई जाती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेन चीज़ जो है धनिया का वो हमारे पेट से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है, जैसे गैस होना, पेट में मरोड़े आना, ऐठन होना, इन सब चीज़ों में धनिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। करे तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, चाहे हम पिंपल्स की बात करें, और क्योंकि और इसमें पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो स्किन के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। आपको हमारे महाराष्ट्र की रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और उसमें क्या कमी पेशी थी ये भी ज़रूर बताइएगा। और आजकल जो किन्नौर का वेदर है काफ़ी गर्म हो गया है, मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से, और जो हमारा एरिया है यहाँ पर मिडल किन्नौर का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा उमस भरा हो गया है आजकल, क्योंकि हल्की बारिश हो जाती है फिर रुक जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लगातार बारिश नहीं हो रही। अगर लगातार बारिश होगी तो मौसम ठंडा भी रहेगा और जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, वो कम हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। आजकल काफ़ी गर्म मौसम है अगर आप लोग आ रहे हो घूमने के लिए, और मेरे ख्याल से तो अब आप लोगों को सितंबर में ही आना चाहिए। अगस्त का महीना भी ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा, या अगस्त एंड तक आ सकते हैं आप लोग, तब तक एप्पल सीज़न भी स्टार्ट हो जाएंगे हमारे अर्ली वैरायटी वाले। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।